आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके वाहन का पोल्यूशन सर्टिफिकेट खो जाता है, फट जाता है, तो आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो जैसे ही क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसके बाद ये जो आप सर्च बार देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में, तो इस सर्च बार में आपको एक वेबसाइट टाइप करना है। अब वेबसाइट क्या टाइप करना है आपको ध्यान से देख लें। यहाँ पे टाइप करना है wahan.parivahan.gov.in। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ wahan.parivahan.gov.in/puc। ये सर्च करके आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा wahan.parivahan.gov.in। अगर आपको सर्च करने में दिक्कत हो रहा है, वेबसाइट नहीं ओपन हो रहा है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब नीचे यहाँ पे देखें एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ PUC सर्टिफिकेट यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ चेसिस नंबर, अपने गाड़ी का आखिरी 5 कैरेक्टर चेसिस नंबर कैप्चा कोड डाल के PUC डिटेल पर क्लिक करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। अब जो मेरे गाड़ी का चेसिस नंबर है आखिरी का 5 कैरेक्टर वो यहाँ पर डालना है। ये रहा मेरा चेसिस नंबर और आखिरी का जो 5 डिजिट है इसको क्या करना है यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इसको यहाँ पे डालना है और पोल्यूशन डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही PUC डिटेल पे क्लिक करेंगे आपका पोल्यूशन यहाँ का डिटेल यहाँ पे शो होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका गाड़ी का डिटेल शो होगा, देख सकते हैं कैटेगरी में 2-व्हीलर यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टॉक कौन सा है वो देख सकते हैं, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर देख सकते हैं, और कौन सा मॉडल है, कौन सा कंपनी की गाड़ी है यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे देखें और भी आपका डिटेल दिखा रहा है। उसके बाद अगर आपका कितना चार्ज लगा हुआ वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगर वैलिडिटी है अभी तक वैलिड है तो यहाँ पे यस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका गाड़ी का नंबर और प्लेट दिखाई देगा। अब यहाँ देखें दो ऑप्शन है, प्रिंट एक रीसेट। आपको क्या करना है प्रिंट वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रिंट वाले पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका पोल्यूशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यहाँ पे डेट देख सकते हैं किस दिन आपने पोल्यूशन लिया था वो यहाँ पे डेट दिखाई देगा, और उसके बाद यहाँ पे देखें टाइम दिखाई देगा, नीचे देखें टाइम, और इसका वैलिडिटी कब तक है नीचे आप देख सकते हैं वैलिडिटी अप टू यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिखाई देगा गाड़ी का। और यहाँ देखें एक ऑप्शन है एक है यहाँ लिखा मोबाइल नंबर, और यहाँ देखें फी कितना आपका पोल्यूशन चार्ज लगा वो देख सकते हैं, और यहाँ पर आपका गाड़ी का नंबर प्लेट दिखाई देगा। अब नीचे स्लाइड करेंगे तो और भी यहाँ पे आपको कुछ डिटेल है इस तरह से, और इसे प्रिंट करना है। अगर इसे प्रिंट आउट निकालना है तो ऊपर देखें एक ऑप्शन है प्रिंट का, यहाँ देखें प्रिंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे ये आपके मोबाइल पे इस तरह से PDF में आ जाएगा। अब इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव PDF यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे एक सेव का बटन आ जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ आपका यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे ये जो आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो आपके मोबाइल के स्टोरेज में PDF में सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये डाउनलोड का सेक्शन है और यहाँ पे मेरा एक PDF में पोल्यूशन सर्टिफिकेट यहाँ पे सेव हो चुका है। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो मैंने अभी डाउनलोड किया था। तो इस तरह से अगर आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट खो जाता है, फट जाता है, और आपको ट्रैफिक पुलिस कहीं पकड़ लेता है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उसे दिखा सकते हैं।